वेलकम बैक टू 2 मिनट ट्यूसडे का एपिसोड नंबर 5 गाइस। इससे पहले हम एपिसोड को शुरू करें, आपके क्वेश्चंस में पढ़ना शुरू करूं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं और एक बात आपसे पूछना भी चाहता हूं। पहली बात ये गाइस कि मैं बहुत फिल्टर आउट करके क्वेश्चंस चूज करता हूं इस एपिसोड के लिए। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन, अब ये मत बोलना कि मैं आपके आंसर नहीं दे रहा हूं, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीटेटिव होती हैं किसी ना किसी वे में। एक ही क्वेश्चन को आपने बार बार पूछा होता है, तो ऑलरेडी मैं आंसर जिनके दे चुका हूं इसलिए मैं वो क्वेश्चन पिकअप नहीं करता हूं, तो जिससे आपका भी टाइम ना वेस्ट हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को भी कवर अप कर पाएं गेमिंग से रिलेटेड। दूसरी चीज़ ये गाइस के 2 मिनट में तो ये एपिसोड हो नहीं रहा है ख़त्म, तो मुझे बताइए कि क्या इस सीरीज़ का नाम चेंज करके कुछ और रखा जाए, और अगर और रखा जाए कुछ और तो मुझे बताइए कि क्या नाम रखा जाए। इसी के साथ शुरू करते हैं इस एपिसोड को, लेट्स गो। सबसे पहला क्वेश्चन है बीट शूट का, वासु भाई क्या गॉड ऑफ वॉर का हमने कोई पार्ट अगर ना खेला हो तो स्टोरी बिल्कुल समझ ना नहीं आएगी GOW4 की। ओके, तो भाई ये क्वेश्चन आपका अच्छा है। ऐसा नहीं है कि आपको गॉड ऑफ वॉर 4 की स्टोरी समझ नहीं आएगी अगर आप डायरेक्टली गॉड ऑफ वॉर 4 खेलोगे और गॉड ऑफ वॉर 1, 2, 3 आपने नहीं खेली, क्योंकि एक तो बिल्कुल अलग माइथोलॉजी पे बेस्ड है, मतलब जो आपको सिनेरियो मिलता है, जो स्टोरी की कंटिन्यूशन है वो बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं होती पुरानी वाली चीज़ों से। लेकिन हाँ, अगर आपको पता होगा गॉड ऑफ वॉर की हिस्ट्री का, क्रेटोस की हिस्ट्री का, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि बीच में कुछ ईस्टर एग्स ऐसे हैं जो पुरानी वाली गॉड ऑफ वॉर से रिलेटेड हैं। तो दैट्स इट, मतलब इतना कोई खास नहीं है, आप खेल सकते हो गॉड ऑफ वॉर 4, आपको ऐसा कुछ नहीं होगा कि यार ये क्या चीज़ थी, ये तो समझ ही नहीं आया और वो लिंक निकलेगा पुरानी स्टोरी से, ऐसा कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है गेमिंग विद शिवम का, प्लीज स्टार्ट द टूर्नामेंट ऑन 6th मार्च, इट्स अ रिक्वेस्ट। ओके शिवम, मुझे लग रहा है कि आपने ये कमेंट इसलिए करा है क्योंकि शायद आपके पेपर खत्म हो रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे सब बता दो कि आपके एग्जाम्स कब कब खत्म हो रहे हैं, कौन कौन सी डेट को, क्योंकि मैं टूर्नामेंट फिर उसी के बाद रखवाऊंगा। यार ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आपके एग्जाम्स चल रहे हैं और आपका दिमाग है टूर्नामेंट की तरफ और इधर गेम खेल रहे हैं, या फिर आप अपनी पढ़ाई छोड़ के खेल रहे हो हमारे साथ गेम, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्लीज़ मुझे बता दो जिन जिनके बोर्ड्स वगैरह चल रहे हैं, कोई यूपी में रहता है, कोई कहीं और रहता है, किसी का CBSE बोर्ड है, तो प्लीज़ मेरे को डेट्स बता दो अपने अपने एग्जाम्स की कमेंट सेक्शन में, ताकि टूर्नामेंट को उस हिसाब से शुरू कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदांत सर्व का, RDR2 स्पीड टेस्ट। ओके, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। आप लोग अगर स्पीड टेस्ट और देना चाहते हैं मेरे जियो फाइबर के साथ किसी और गेम का, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो भी ज़रूर बता देना। अगला क्वेश्चन है श्याम उमेर का, बैटमैन आर्कम नाइट वर्सेस अनचार्टेड नेथन ड्रेक कलेक्शन वर्सेस किलज़ोन शैडोफॉल, प्लीज आई एम गोइंग टू बाय वन ऑफ देम। अच्छा, मतलब दूसरा क्वेश्चन, इज द 4K टीवी बेटर और 4K मॉनिटर बेटर फॉर गेमिंग। तो भाई देखो, पहले क्वेश्चन का आंसर आपको दे देता हूँ, बैटमैन आर्कम नाइट वर्सेज अनचार्टेड नेथन ड्रेक कलेक्शन। देखो भाई, ये जो कलेक्शन की बात कर रहे हो इसमें आपको मिलेंगी 3 गेम्स, राइट, अनचार्टेड 1, 2 एंड 3। उसके बाद फिर आपको अनचार्टेड 4 भी खेलनी पड़ेगी टू अंडरस्टैंड द फुल स्टोरी, दैट्स ओके। और बैटमैन आर्कम नाइट, अगर आपने पहली वाली बैटमैन्स खेली हैं, बैटमैन आर्कम असाइलम, आर्कम सिटी, आर्कम ओरिजिन्स, उसके बाद आर्कम नाइट, तो समझ में भी आती है चीज़। नहीं तो अगर आपने पहली वाली स्टोरीज नहीं खेली तो आर्कम नाइट मेरे ख्याल से आपको इतना इंटरेस्ट ना आए, बाकी बैटमैन की गेम है यार, मतलब खेल सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किलज़ोन शैडोफॉल तो मैं इनके आगे बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा, अनचार्टेड और बैटमैन में से। अब आप देख लो कि अगर आपने पुरानी बैटमैन्स खेली हैं तो ले लो आप ये एक गेम, ठीक है, अनचार्टेड नेथन ड्रेक कलेक्शन में आपको 3 गेम्स मिलेंगी, दैट्स योर चॉइस। अगला क्वेश्चन है टेक्निकल होम का, भाई एपेक्स लेजेंड्स क्रॉस प्लेटफॉर्म है क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है हो जाए। अगला क्वेश्चन है अब्दुल्ला इस्माइल का, भाई आपने इतनी गेम्स इंस्टॉल किया है PS4 में, आपका PS4 का स्टोरेज फुल नहीं होता क्या? नहीं भाई, मैं एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव यूज़ करता हूं, तो जो 2 TB की है तो काफ़ी स्टोरेज है, हालांकि वो भी अब फुल होने वाली है, बट हो सकता है मैं अभी आने वाले टाइम में अपग्रेड कर लूँ 4 TB पे। अगला क्वेश्चन है शशिकांत राणे का, प्लीज सर कैन यू टेल मी हाउ टू परचेज गेम्स फ्रॉम एपिक गेम स्टोर, इट इज इन USD। ओके, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। अगला क्वेश्चन है रिश्त गेमे का, भाई विच गेम इज बेस्ट फॉर Fortnite और PUBG, प्लीज आंसर विद योर हार्ट नॉट बाय ब्रेन। PUBG, जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंट मैप्स, मुझे PUBG ज्यादा पसंद है। अगला क्वेश्चन है गोस्ट राइडर का, विच इज बेस्ट टेकन और मोर्टल कॉम्बैट? भाई टेकन 7 हैंड्स डाउन, मोर्टल कॉम्बैट 11 आने वाली है तो उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो अच्छी निकलेगी, अगर तो देखी जाएगी, बट अभी तक तो टेकन 7 मेरी फेवरेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइनेस्ट गेमिंग का, भाई PC पे Fortnite विदाउट Wi-Fi खेल सकते हैं क्या? भाई अगर आप ये पूछना चाहते हो कि PC पे Fortnite आप विदाउट इंटरनेट कनेक्शन खेल सकते हो तो नहीं,
वाईफाई के बिना, अगर आप वैसे कह रहे हो कि वाईफाई नहीं यूज करने पर, तो मेरे ख्याल से आप इथरनेट केबल तो लगा के आप कभी भी खेल सकते हो, बट मेरे ख्याल से आपका क्वेश्चन ये है कि इंटरनेट के बिना फोर्टनाइट खेल सकते हो या नहीं, तो मेरा आंसर है नहीं खेल सकते आप, क्योंकि ये टोटली ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम है। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, अपने और ज्यादा क्वेश्चंस पूछो #IS1 के साथ, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड आ रहा है थर्सडे को यानी कि परसों, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट कर देना नीचे मैंने जो जो क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब और साथ में इस वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच गाइस दोनों तरफ से, टेक केयर, बाय बाय।